पश्चिम बंगाल में भाजपा चुनावी मोड़ में आ गई है। इस साल पंचायत चुनाव के बाद अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव की तैयारी शुरू हो गई है। इसके लिए भाजपा ने 9 साल में केंद्र में प्रधानमंत्री मोदी की उपलब्धियां गिनाने और दुर्गा पूजा आयोजित करने की रणनीति बनाई है। नरेंद्र मोदी सरकार की 9 साल की उपलब्धियां गिनाने वाली हैंडबुक 6 भाषाओं में छपकर बांटी जाएगी। यह हैंडबुक हिंदी, अंग्रेजी, बांग्ला, मैथिली, गुजराती और गुरमुखी में छापी जाएगी। यह अभियान बंगाल सीएम ममता गढ़ भवानीपुर के साथ दक्षिण कोलकाता से शुरू होगा। बंगाल में चुनावी जमीन तैयार करने की सारी जिम्मेदारी विधानसभा में विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी को दी गई है। शुभेंदु विधानसभा चुनाव के ठीक पहले ममता बनर्जी की टीएमसी छोड़कर भाजपा में शामिल हुए थे। उन्होंने विधानसभा चुनाव में नंदीग्राम में ममता बनर्जी को हराया। अब ममता के गढ़ भवानीपुर से सेंध लगाने की तैयारी कर रहे हैं। एक्सपर्ट्स का मानना है कि भवानीपुर में भाजपा मजबूत हुई तो उसका असर पूरे बंगाल पर पड़ेगा। इसी के साथ बने रहे राजनामा टीवी के साथ। धन्यवाद।